हमदर्दी जिनके किताब में मौजूद ही नहीं है, ऐसी कौम देश भर में हिंदुस्तानियों को मार रही है, जुल्म कर रही है। बड़ी मेहनतों के बाद हमारे बुजुर्गों की, उलमाए किराम की मेहनत के बाद ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 90% आज़ादी में मुसलमानों का ही हक है। बाद में कुछ लोग हमारे पीछे चलकर आ गए, उनका भी इसमें कुछ हिस्सा है। लेकिन इस हिंदुस्तान की आज़ादाना ज़िंदगी को छीनने की कोशिशें हो रही हैं, जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री को बदल कर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ सब मजाहिब का चलन को रोकने के लिए आरएसएस, हिंदुत्व, फैशिज़म यहाँ पर बहुत ज़ोर शोर के साथ काम कर रहा है। मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों से गुजारिश करता हूँ कि हम इस देश के कानून को समझें और अपने हक के लिए आगे आएं। जहाँ जहाँ ये हिंदुत्व और फैशिज़म की सोच रखने वाले लोग आगे बढ़कर जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए आएं, तो हम आगे बढ़कर उसको रोकते हुए, इनकी साजिशों को नाकाम बनाते हुए हिंदुस्तान के प्यारे जमहूरी निज़ाम को कायम रखने की हम कोशिश करें। गंगा जमनी तहजीब का ये गहवारा है हिंदुस्तान। यहाँ पर हर मजहब के लोग एक ही गली में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। इस मैयार को बाकी रखते हुए इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे। आने वाले इलेक्शन में हमारे लिए बहुत ही सोच समझ कर वोटिंग करने का एक हिस्सा है। हम सोच कर कौन से एमएलए को हम वोट दे रहे हैं, कौन सी पार्टी को हम वोट दे रहे हैं, उसकी सही समझ रखते हुए हम अपना फैसला इख्तियार करें। वाकिउ दावाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।